हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक बेस वेरिएंट कंपैरिजन वीडियो बनाई थी जिसमें हमने न्यू जनरेशन सैलरियो के बेस वेरिएंट को टियागो के बेस वेरिएंट के साथ कंपेयर किया था और ये जाना था कि आखिर आपको क्यों टियागो के बेस वेरिएंट को चुनना चाहिए सैलरियो के बेस वेरिएंट की जगह। वो वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम न्यू जनरेशन सैलरियो और टियागो का ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपको कौन सी कार के साथ जाना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, अंत तक कहीं मत जाइए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दोनों ही कार्स की प्राइस बता देता हूँ। तो जहाँ न्यू सैलरियो 4,99,000 से शुरू होकर 6,94,000 रुपये तक जाती है, तो वहीं टियागो 4,99,000 रुपये से शुरू होकर 7,05,000 रुपये तक जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों ही कार्स की प्राइसिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। बेस वेरिएंट दोनों ही कार्स का सेम प्राइस पॉइंट पर मिलता है, लेकिन टॉप वेरिएंट टियागो का 11,000 रुपये थोड़ा सा महंगा है। वेरिएंट्स वाइज भी अगर आप देखोगे तो दोनों ही कार्स की प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब एक नज़र हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो सैलरियो की लेंथ आपको मिलेगी 3,695 mm की, विड्थ मिलेगी 1,655 mm की, हाइट मिलेगी 1,555 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,435 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 170 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 313 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 32 लीटर की। वहीं टियागो की लेंथ आपको मिलेगी 3,765 mm की, विड्थ मिलेगी 1,677 mm की, हाइट मिलेगी 1,535 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,400 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 170 से 181 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 242 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 35 लीटर की। तो आप यहां देख सकते हो कि टियागो लेंथ में सैलरियो से 70 mm लंबी है, टियागो विड्थ में सैलरियो से 122 mm चौड़ी है और टियागो की फ्यूल टैंक कैपेसिटी सैलरियो से 3 लीटर ज़्यादा है। वहीं सैलरियो हाइट में टियागो से 20 mm ऊंची है, सैलरियो का व्हील बेस टियागो से 35 mm ज़्यादा है, सैलरियो का बूट स्पेस टियागो से 71 लीटर बड़ा है और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो दोनों ही कार्स का बराबर है। लेकिन अगर आप टियागो एनर्जी लेते हैं तो वहाँ आपको 11 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब फीचर्स की बात की जाए तो दोनों ही कार्स में आपको बहुत सारे कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे एलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs, फोग लैंप्स, स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑल फोर पावर विंडोज, टिल्ट पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, टच स्क्रीन सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, फोर स्पीकर्स, रियर वाइपर विद वॉशर, रियर डीफोगर, ABS विद EBD, डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट्स रिमाइंडर, सीट बेल्ट्स प्रिटेंशनर्स विद लोड लिमिटर, स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोडोर अनलॉक वगैरह जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि टियागो में आपको और भी कई फीचर्स यूनिक मिलते हैं जो आपको न्यू सैलरियो ऑफर नहीं करती है, जैसे टिंटेड ग्लासेस, ORVMs विद वेलकम फंक्शन, फुली LED डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, फोर ट्विटर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, टेबलेट स्टोरेज इन ग्लव बॉक्स, रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल और पंक्चर रिपेयर किट। ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको टियागो में तो मिलते हैं लेकिन न्यू सैलरियो में नहीं मिल पाते। वहीं न्यू सैलरियो के यूनिक फीचर्स की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 3 ऐसे फीचर्स हैं जो आपको टियागो में नहीं मिलते हैं: आइडल स्टार्ट स्टॉप, 60:40 स्प्लिट रियर सीट और अगर आप सैलरियो का MT वेरिएंट लेते हैं तो हिल होल्ड असिस्ट। ये वो 3 फीचर्स हैं जो आपको टियागो में नहीं मिलते हैं। तो फीचर्स के मामले में तो यहाँ टियागो ज़्यादा बेहतर कार साबित होती है। अब इंजन्स की बात करें तो न्यू सैलरियो में आपको मिलता है एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर K सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन जो 67 PS और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT दोनों के साथ आता है और इस इंजन की माइलेज है 26.68 km/L ARAI। वहीं टियागो में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन
जो 86 PS और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT दोनों के साथ आता है। और इस इंजन की माइलेज है 19.80 KMPL ARAI। तो यहाँ माइलेज के मामले में सेलेरियो टियागो से काफ़ी आगे है, और उसका मेन रीज़न है इसका डुअल जेट पेट्रोल इंजन। लेकिन वहीं टियागो आपको ज़्यादा पावरफुल और बड़ा इंजन ऑफर करती है, जो आपको परफॉर्मेंस में तो बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। क्रैश टेस्ट की बात की जाए तो टियागो को ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, और ये एंट्री लेवल सेगमेंट की वन ऑफ द सेफ कार है। वहीं दूसरी तरफ सेलेरियो का तो अभी कोई भी क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन मारुति के प्रोडक्ट्स की सेफ्टी रेटिंग पर अगर नज़र डाली जाए तो 0 स्टार, 1 स्टार और 2 स्टार तक ही सेफ्टी रेटिंग है उनके पास। तो ऐसे में सेलेरियो को भी 2 स्टार की ही सेफ्टी रेटिंग मिलने के चांसेस हैं। और वैसे भी मैं कहता हूँ, अक्सर मारुति की बजट फ्रेंडली कार से आप अच्छी सेफ्टी की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब सवाल आता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी कार कंसीडर करनी चाहिए और क्यों। तो देखिए, मेरा सजेशन आपको यहाँ यही रहेगा कि आपको टाटा टियागो कंसीडर करना चाहिए, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे टियागो और सेलेरियो की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन टियागो में आपको बड़ा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे में आपको हाईवे पर ओवरटेक करने में टियागो निराश नहीं करेगी, वहीं सेलेरियो आपको हाईवे पर ओवरटेक करने में कहीं ना कहीं अंडर पावर फील होगी ही होगी। फिर टियागो एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट की इकलौती 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखोगे तो ये आपको सेलेरियो से फार फार बेटर नज़र आएगी। फिर टियागो का सस्पेंशन सेटअप आपको अपने सेगमेंट में तो क्या, अपने से ऊपर के सेगमेंट की भी कई गाड़ियों से बेहतर मिलेगा, जो राइड और हैंडलिंग का एक प्रॉपर बैलेंस बना के ट्यून किया गया है। वहीं सेलेरियो का बॉडी वेट हल्का होने के कारण उसमें आपको स्टिफ सस्पेंशन दिया गया है, ताकि गाड़ी हाई स्पीड में स्टेबल रहे। फिर अगर आपकी रनिंग खराब सड़कों पर और रूरल एरिया में ज़्यादा रहती है, तो उस केस में टियागो में आपके पास एनर्जी का ऑप्शन है, जिसमें आपको 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको सेलेरियो के साथ नहीं मिलता है, लेकिन फ्यूचर में सेलेरियो के एक्स वेरियंट की आने की संभावना ज़रूर है। और इन सारी चीज़ों के बाद टियागो आपको ज़्यादा फीचर्स भी ऑफर कर रही है। रेयर पार्किंग कैमरा, फुली LED डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह जैसे फीचर्स आपको न्यू सेलेरियो ऑफर नहीं करती है। और फिर जब म्यूज़िक सिस्टम के साथ साउंड क्वालिटी की बात आती है, तो भाई यहाँ पर टियागो के आगे सेलेरियो तो क्या, S-Cross भी कहीं नहीं लगती है साउंड क्वालिटी के मामले में। क्योंकि टियागो में आपको हरमन कार्डन के स्पीकर्स आते हैं, और 8 स्पीकर्स आते हैं, 4+4, यानी कि 4 स्पीकर्स और 4 ट्वीटर्स। तो दोस्तों, ऐसा है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक बड़ा बूट स्पेस और ज़्यादा माइलेज है, तो आप न्यू सेलेरियो के साथ जा सकते हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि न्यू सेलेरियो के हाईवे परफॉर्मेंस से आप कहीं ना कहीं निराश हो सकते हो, अगर हम इसे टियागो के मुकाबले ला के खड़ा करें तो। लेकिन टियागो एक्चुअल में ओवरऑल एक ज़्यादा बेहतर कार है कंपेयर टू न्यू सेलेरियो। तो इस कंपैरिजन की विनर है टाटा टियागो फॉर श्योर। तो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन न्यू मारुति सेलेरियो एंड टाटा टियागो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।